तेलोडी पंचायत सचिवालय में मनाई गई बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती। 14 अप्रैल को तेलोडी पंचायत सचिवालय में भारतीय संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय मुखिया सबीर आलम, उप मुखिया अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद एजाज, तस्लीम आरिफ, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आलम, मोहम्मद इकबाल आदि ने छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जयंती समारोह के दौरान मुखिया सबीर आलम ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर के कारण ही आज गरीबों, शोषितों, वंचितों को सबका समान हक अधिकार मिल रहा है और आज हम सभी यह प्रण लें कि बाबा साहब अंबेडकर के नीति सिद्धांतों पर चलते हुए गरीबों, शोषितों की आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। आज पंचायत सचिवालय तेलोडी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती को मनाया गया, जिसमें हमारे तेलोडी पंचायत के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधानों के तहत आज हमारा भारत जो है सभी को एक साथ लेकर के चलने का काम हो रहा है। आज उनके ही बनाए हुए संविधान है जिसके वजह से गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को उनका अधिकार मिल रहा है। आज जो हमारे भारत का जो परिकल्पना हमारे डॉक्टर बाबा साहब ने किया था उसका उस संविधान के तहत ही साकार हो रहा है। इससे आज जो दबे कुचले लोग हैं उनको अधिकार मिल रहा है। आज वो रोजगार में, शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस जयंती पर तमाम लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ। अरे भाई जी, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो सपना हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बुना था और जिसके तहत संविधान का निर्माण किया था, हम लोग सभी आज यह प्रण लें उनकी जयंती पर कि संविधान के तहत हम लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। संविधान के तहत हमें जो अधिकार, हमें जो कर्तव्य मिला है उसका निर्वहन करेंगे, तभी हमारा देश जो है एक समझिए कि जो आज़ादी का सपना जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे गांधी जी ने देखा था, तभी हमको मिल पाएगा। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि आज उनकी जयंती पर हम लोग यह प्रण लें कि हम लोग उनके संविधानों पर चल करके सभी गरीबों, शोषितों और वंचितों का आवाज़ बनेंगे और सभी को बराबर का हक देने का काम करेंगे।